वेलकम टू माई चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ नोट पैट्रिक। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो होने वाला क्या है, स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीव्यू दिखाएंगे हम कि क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा। तो ये रहा आपका रिकैप ऑफ पार्ट टू नोट पैट्रिक। तो ये सब जो भी है आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह का आपका आइकन है, इस तरह का आपका इमेज आएगा। ये कमांड प्रोमोट के द्वारा होगा, नोट पैड में हम कुछ कमांड लिखेंगे तो इस तरह का कुछ होगा आने वाला वीडियो में, ये चीज होने वाला है। देख सकते हैं इंटर पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर, टू सब्सक्राइब माय चैनल, इस तरह का कुछ ट्रिक्स हम करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो पहला है पीएमडी क्लॉक, मैंने कमांड प्रोमोट में हम कुछ कोड डालेंगे। ये देख सकते हैं इको जो देख रहे हैं, इको आपका प्रिंट करेगा और कलर कोड है 0E जो कि आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेव कर ले, सेव जो आप करेंगे इसको सीएमडी क्लॉक .bat से कर रहे हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इससे कर रहे हैं। तो इसको आप सेव करके काट ले, फिर जब आप इसको रन करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। आप देख सकते हैं टाइम और डेट दिखा रहा है, तो आप इसको ओपन करें, एडिट करें, और एडिट जब करेंगे तो आप इसका कलर कोड हम चेंज कर दिए हैं। कलर कोड सेव करके फिर इसको रन करेंगे तो कुछ ऐसा करके बन के आएगा। फिर हम कलर कोड 0B कर दे रहे हैं, फिर इसको रन करें तो कुछ इस तरह से आया, फिर 0C कर दे रहे हैं और फिर इसको रन करें तो कुछ इस तरह से आ रहा, फिर 0D कर दे रहे तो इस तरह से आ रहा। तो इस तरह से रन करते जाएंगे तो इस तरह का आप आइकन बना सकते हैं जो आप प्रीव्यू में आप देखे थे। तो प्रीव्यू में जो देखे थे ये आपका दिखा रहा है, ये था पहला ट्रिक। तो ये जानते हैं कलर कोड क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 0A जो है, तो 0 जो हो गया वो बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा वो होगा, और ग्रीन टेक्स्ट जो टेक्स्ट जो होगा वो A होगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ कलर है और एक तरफ कोड है, ठीक है। तो जो पहला जो डिजिट आएगा वो हमेशा बैकग्राउंड में होगा, दूसरा टेक्स्ट में होगा। तो आप 0 का ब्लैक, 1 का ब्लू, 2 का ग्रीन देख सकते हैं, और 3 का सियान, 4 का रेड। तो उसी तरह A4 कलर रिप्रेजेंट में आप देख रहे हैं A जो है आपका ब्राइट ग्रीन है जो बिग बैकग्राउंड में, और 4 जो है आपका रेड में है। तो ये था कलर के बारे में। तो फोल्डर क्रिएट करते हैं नोटपैड के द्वारा। तो नोटपैड में आपको सिंपली MD करना, मेक डायरेक्टरी वो जो कि आपका बनाएगा, तो MD कंप्यूटर वर्ल्ड नॉलेज लॉकडाउन। तो ये आपका 4 फोल्डर बन के आएगा, इसको हम कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। हम यहाँ दे रहे हैं फोल्डर क्रिएट .bat, हमेशा याद करें bat फाइल नेम से एक्सटेंशन से सेव करें, बैच फाइल है। इसको आप रन करते हैं तो देख सकते हैं 4 फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। अब फोल्डर गार्ड बनाते हैं, मीन्स इस कोई फोल्डर को हम आपका ये लॉक करेंगे। तो आपका पासवर्ड यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं लॉकडाउन लिख लिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आप इसका कोड मिल जाएगा। इसको हम फोल्डर गार्ड .bat नाम से सेव करते हैं, हमेशा एक्सटेंशन में bat रखें। तो आप देख सकते हैं जब मैं रन किया तो लॉकर नाम का फोल्डर खुल गया, और देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से इसको इसमें मूव कर दे रहा हूँ और उसके बाद काट दूंगा। तो ये जब कट जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा फाइल हो चुका है। तो मैं इसको अब जो फोल्डर गार्ड है इसको रन करूंगा, और रन करने के बाद कुछ पूछेगा डू यू श्योर वांट टू लॉक द फोल्डर, बस यस कर देंगे तो ये अपने आप जो है लॉक हो जाएगा ये फोल्डर। इसको जब वापस करेंगे तो पासवर्ड मांगे, मान लेते हैं यहाँ पर गलत हम पासवर्ड डालते हैं 1234, तो देखिए रन नहीं खुला। तो हम वापस डालते हैं इसका सही पासवर्ड लॉकडाउन। तो आप देख सकते हैं लॉकर नाम का फोल्डर खुल गया, लॉकर के अंदर जो भी फाइल हमने डाला था वो सब चीज आ चुका है। तो इस तरह से ये रन करता है, अगर हम नो कहते हैं आर यू श्योर वांट टू लॉक द फोल्डर नो, तो उसी तरह वो फाइल रह जाएगा। तो ये था, और अगर यस करते हैं तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये था आपका फोल्डर गार्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक की ओर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है। तो तीसरा है रेनिंग कोड। तो ये आप देख सकते हैं रेंडमली कोड है, नोटपैड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कलर 06 है, 06 आपको पता चल गया होगा क्या है। तो ये कोड है, मैंने इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव में यहाँ पर नाम डालूंगा सिंपल रेन .bat फाइल से, आप कोई भी नाम डाल दे। तो सिंपल रेन कोड .bat नाम से मैं सेव कर दिया हूँ। जब मैं रन करूंगा तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से रेंडमली नंबर आएगा। तो फिर मान लेते हैं इसको ओपन करके हम कोई भी नाम से सेव करते हैं, एक तरफ से नोटपैड खोले हुए हैं और रन करते जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह अलग अलग कलर में आपका कमांड प्रॉम्प्ट रन करेगा और कुछ नया डिफरेंट स्टाइल में आपको प्रीव्यू मिलेगा। तो इसी तरह सेम ट्रिक है, ये कुछ अलग तरह का कोड है लेकिन सेम उसी तरह कोड रन होगा कमांड प्रोमोट में। तो इको जान रहे कि आपका प्रिंट करता है, कलर आपको पता है कि क्या करता है, तो इसको आप सेव कर ले। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ कोड रेन .bat,
बैच फाइल है BAT, जब इसको हम रन करेंगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो इस तरह से कुछ नंबर रैंडमली आपका, जैसे हैकिंग कंप्यूटर में आपका रैंडम हैक्ड हो जाता है कंप्यूटर, तो इस तरह से कुछ वायरस टाइप का चलता है, या आपका नंबर प्रीव्यू हो रहा है कमांड प्रोम्प्ट में, तो इसी तरह हम अलग अलग नया नया कोड कलर कोड चेंज करके हम चेक करते जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपका डिजाइन तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं नया नया अलग अलग बन के आ रहा है, तो ये आपका था जो दिख रहा है यहाँ पर। चलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के लिए, आप नोटपैड खोल ले, ये भी सिंपल इसी तरह है, लेकिन जो मैंने प्रीव्यू में बताया था चार अलग अलग डिजाइन में आपका चार बॉक्सेस में बन के आया था, उसी तरह मैंने इसको रेनिंग कोड .bat नाम से सेव कर दिया। मैं इसको रन कर रहा हूँ और लोअर कॉर्नर राइट साइड में मैंने इसको भेज दिया, फिर मैं इसको 0b से सेव कर रहा हूँ और उसको फिर मैं रन कर रहा हूँ और इसको मैं अपर आपका राइट कॉर्नर में भेज रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद फिर मैं कलर सेव किया, फिर इसको एडिट किया, अब की बार मैं आपका लेफ्ट साइड में लोअर कॉर्नर में भेज रहा हूँ, इसको मैं अपर कॉर्नर भेज रहा हूँ। और इसको आप सही ढंग से कर ले तो कुछ सही ट्रिक आएगा जो कि आपको प्रीव्यू में था। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के लिए, शट डाउन। आपका एक टाइमर होगा शट डाउन का, यह सच में कंप्यूटर आपका शट डाउन कर देगा, शट डाउन -S -T 30, तो ये 30 सेकंड के लिए आपका हो जाएगा। इसको सेव करें shutdown.bat फाइल से, सच में डाउन आपका जो रन करने से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करे सच में आपका कंप्यूटर जो है बंद कर देगा। तो शट डाउन देखिए मैं रन कर रहा हूँ, विंडोज विल शट डाउन इन लेस देन 1 मिनट, तो इस तरह से आपका शट डाउन हो जाएगा नोटपैड का कमांड से, तो आपको डायरेक्ट उतना डायरेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ये एक अलग तरह का कोड है जो कि बहुत मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। देखिए ये है सारा कोड, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये है डू यू सब्सक्राइब माई चैनल और नॉट, यस करने पे कुछ और आएगा। तो इसको कोड को आप सेव, मैं सेव कर रहा हूँ शटडाउन subscribe.bat फाइल से, और मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है डू यू सब्सक्राइब माई चैनल और नॉट, अगर आपने यस किया है तो थैंक यू वेरी मच, मीट यू सून, तो आपको ये थैंक्स कह रहा है कुछ इस तरह से। और अगर आपने नो कहते हैं तो देखिए क्या कहता है, डू यू सब्सक्राइब माई चैनल नो, तो कुछ ऐसे मैसेज आएगा, बट आई बिलीव यू कैन डू, ओ यू आर हैक, यू विल रिसीव क्रेश इन 10 सेकंड 4 3 2, इस तरह से मैसेज आएगा जो कि बहुत मज़ेदार होगा। आप किसी को अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं, बहुत मज़ेदार है, लेकिन ये सच में कंप्यूटर जो है आपका बंद हो जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको कमांड प्रोम्प्ट में जाना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और शट डाउन आपका जो है स्लैश से करके आप डालें तो आपका ये देखिए आप देख सकते हैं लॉग ऑफ इज कैंसिल, शेड्यूल शट डाउन हैज बीन कैंसिल हो गया। और दूसरा तरीका ये भी है कि -a दे करके भी बंद कर दें, तो आप फिर इसको रन करके आप देखें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, आपको अगर शट डाउन -a करके देते हैं या -a करके देते हैं तो आपका देख सकते हैं कि लॉग ऑफ इज कैंसिल हो गया। तो ये दो तरीका था अब जिससे आप शट डाउन को रोक सकते हैं अगर बंद हो रहा है तो ये था कमांड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।